हेलो एवरीवन नमस्ते राम राम गुड इवनिंग गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून जिस भी टाइम पे आप वीडियो सुन रहे हैं एक छोटी सी बात जो मैं मतलब अभी तो ताज़ी ताज़ी सी रिवाइज़ हो गई थी अभी क्लास पढ़ा रही थी तो उसमें किसी ने बोल दिया कि क्या आप इंग्लिश टीचर हैं तो उस बच्चे को तो मैंने तब जवाब दे दिया था लेकिन अभी बहुत सारे सालों से मैं ये चीज़ सुनते आ रही हूँ तो इसलिए बता देती हूँ कि मैं इंग्लिश टीचर नहीं हूँ <laughs> मैं टीचर ऑफ इंग्लिश हूँ सुनने में थोड़ी सी अजीब लग रही होगी कुछ लोगों को ये बात हालांकि दस बारह साल हो गए इंग्लिश ही पढ़ा रही हूँ राहत तक में अपना इंस्टीट्यूट रन करती हूँ वेटिकन के नाम से लेकिन कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या आप इंग्लिश टीचर हो तो मैं थोड़ा सा ना सभी को एक छोटी सी बात सिखाना चाहती हूँ कि इंग्लिश टीचर हिंदी टीचर ये सब्जेक्ट के टीचिंग को नहीं दिखाते ये नेशनैलिटी को दिखाते हैं अगर आप कह रहे हो कि आप इंग्लिश टीचर हो तो आप ये कहना चाह रहे हो कि मैं अंग्रेज़ हूँ मतलब अपनी नेशनैलिटी को आप अंग्रेज़ कहने लग रहे हो ना कि अपनी टीचिंग को आप इंग्लिश सब्जेक्ट कहने लग रहे हो तो इसीलिए अगर कभी आप कह रहे हैं कि मैं इंग्लिश टीचर हूँ या आप इंग्लिश टीचर हो या हाँ देखो मैथ्स टीचर हो सकता है क्योंकि मैथ्स कहीं की भी नेशनैलिटी नहीं है इंग्लिश नेशनैलिटी है हिंदी हमारी खुद की इंडियंस की हिंदी नेशनैलिटी की तरफ वो इशारा करेगा तो अगर आप कहते हैं इंग्लिश टीचर तो वो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है आगे से कहने की कोशिश करें टीचर ऑफ इंग्लिश बस इतनी सी बात सिखानी थी थैंक यू फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी छोटे से ज्ञान के साथ